और बाजार के निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी खबर, अच्छी खबर हम कहेंगे, जल्द ही शेयर बेचते ही आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने T+0 सेटलमेंट पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है। डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या खबर है और क्या डिटेल्स हैं आपके पास इससे जुड़ी हुई? जी, सेबी ने एक अहम कंसल्टेशन पेपर जारी किया और यहां पर जो बातचीत हो रही है वो T+0 सेटलमेंट की है। यहां पर सुझाव मांगे गए हैं इंडस्ट्री के कि किस तरीके से फेज वाइज इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। पहले फेज में T+0 होगा और उसके बाद इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बयान पहले भी सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बोस ने दिया था कि मार्च 2024 तक T+0 सेटलमेंट की तरफ हम जा सकते हैं और उसके एक साल बाद इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट की तरफ बढ़ा जा सकता है। जो सुझाव यही है कि फेज मैनर में इसका इंप्लीमेंटेशन हो और इसके अलावा एक जो क्या जो फेज मैनर में इंप्लीमेंटेशन हो उसमें फर्स्ट फेज में यही बोला जाएगा कि आपका अगर 1:30 बजे तक ट्रेड हो गया है तो वो 4:30 बजे तक उसी दिन सेटलमेंट हो जाए। उसके बाद सेकंड फेज में ये पूरा 3:30 बजे के ट्रेड को लेके पूरा T+0 सेटलमेंट होगा और साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट है वो ऑप्शनल बेसिस पे रखा गया है। तो ये सुझाव अभी सेबी की तरफ से आया है, कंसल्टेशन पेपर है, इंडस्ट्री इस पे फीडबैक देगी और फाइनली जैसा हर रेगुलेशन में सेबी करती है इस पर रूल्स बन के आएंगे और हम देख सकते हैं आगे वाले दिनों में हम इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट जो कि स्टॉक मार्केट में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर और राहत की खबर भी कि 1:30 बजे तक जो सौदे किए जाएंगे उसका सेटलमेंट उसी दिन 4:30 बजे तक कर दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे।